नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको डोलो फ्रेश SP टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो डोलो फ्रेश SP टैबलेट है इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं। डोलो फ्रेश SP टैबलेट में असिक्लोफेनिक 100 mg पाया गया है, पैरासिटामोल 325 mg पाया गया है और जो सर्टियोपिपडायस है जे 10 mg पाया गया है और ये स्मार्ट लैबोरेटरीज कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 80 रुपीज़। इसकी पैकिंग की बात करें तो आपको इसकी वन स्टिप में 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो डोलो फ्रेश SP टैबलेट है जे 3 कंपोजिशन में मिलने वाली मेडिसिन है। इसमें जो असिक्लोफेनिक है ये एक नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, मींस इसे हम निसेड भी कहते हैं और जो पैरासिटामोल है ये एक एंटी पैराटिक मींस फीवर को रिड्यूस करने वाली मेडिसिन है। जो दोनों वर्क क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं केमिकल मैसेंजर्स को ब्रेन में, जिसके कारण पेशेंट को पेन और फीवर होता है। और तीसरा इसमें जो सर्टियोपिपडेस है ये एक एंजाइम है जो कि वर्क क्या करता है, तोड़ने में हेल्प करता है, मींस ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है अब नॉर्मल प्रोटीन को, जिसकी वजह से पेशेंट को सूजन मींस इन्फ्लामेशन होती है और ये प्रमोट करता है हीलिंग को, मींस किसी भी चीज़ को ये जल्दी ठीक करने के लिए हेल्प करता है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि जो डोलो फ्रेश SP टैबलेट है इसका यूज़ किन कंडीशन में किया जा सकता है। जो डोलो फ्रेश SP टैबलेट है इसका यूज़ फीवर और फ्लू, मींस किसी पेशेंट को बुखार हो गया है या फिर कोल्ड जुकाम हो गया है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है, या फिर इसका यूज़ हड्डियों और ज्वाइंट्स में होने वाले दर्द में इसका यूज़ किया जा सकता है, रोमेटिक अर्थराइटिस के दर्द में भी इसका यूज़ किया जा सकता है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द में और सूजन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, या फिर पेशेंट को सिर दर्द हो रहा है तो उससे भी ये रिलीफ दिलाता है, या फिर किसी पेशेंट को माइल्ड माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये ठीक करने में हेल्प करता है, या फिर किसी पेशेंट के दांत में दर्द है या फिर मेंस्ट्रुअल पेन हो रही है, महावारी के दौरान पेट में दर्द हो रहा है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है, या फिर इस टैबलेट को कोल्ड में यूज़ किया जा सकता है, या फिर सोर थ्रोट मींस जब आपका गला दर्द कर रहा है तो उससे भी ये रिलीफ दिलाता है, या फिर किसी पेशेंट को किसी भी तरह की स्वेलिंग हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है तो उसको भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। चलिए अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। जो डोलो फ्रेश SP टैबलेट है इसकी डोज और ड्यूरेशन पेशेंट की एज, सेक्स और उसके वेट पर डिपेंड करती है। अदरवाइज इस टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिया जा सकता है। कभी भी इस टैबलेट को तोड़कर, चबाकर या फिर क्रश करकर नहीं लेना है, हमेशा इस टैबलेट को खाना खाने के बाद ही लेना है ताकि जो स्टमक है वो अपसेट ना हो। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि डोलो फ्रेश SP टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उल्टी आना, मतली आना, पेट में दर्द होना, सीने में जलन होना, बुखार लगना और दस्त लग जाना। अगर आपको ये साइड इफेक्ट गंभीर रूप में नजर आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। चलिए लास्ट में इसके को सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं।
डोलो फ्रेश एसपी टेबलेट के सेफ्टी एडवाइस हैं। इस मेडिसिन को लेने के बाद स्लीपीनेस और ड्राउजीनेस हो सकती है, तो कभी भी इस टैबलेट को लेने के बाद ड्राइव नहीं करनी है। अगर आप इस टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। अल्कोहल के पेशेंट में इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप इस टैबलेट का यूज़ करते हैं तो पेशेंट को एक्सेसिव में ड्राउजीनेस और इंक्रीज रिस्क हो सकता है लीवर के डैमेज होने का। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है। इस टैबलेट को बच्चों से हमेशा दूर रखना है। इसके ऊपर एक और वार्निंग मेंशन की गई है, टेकिंग मोर देन द डेली डोज ऑफ पैरासिटामोल मे कॉज सीरियस लीवर डैमेज और एलर्जिक रिएक्शंस, स्वेलिंग ऑफ द फेस, माउथ एंड थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ईचिंग और रैश। मींस जो डेली डोज होती है पैरासिटामोल की, अगर इससे ज़्यादा आप इस टैबलेट का सेवन करते हैं तो आपको लीवर में डैमेज हो सकता है, आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। तो हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही आपने इस टैबलेट का, जब तक आपको डॉक्टर ने बोला है तब तक ही इसका यूज़ करना है। ये लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूज़ करने वाली नहीं है। ओवरऑल जाने तो जो डोलो फ्रेश एसपी टैबलेट है, इसका यूज़ किसी भी तरह की दर्द में या फिर सूजन हो गई है तो उसमें किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।